अभी तक जो हमने फाइल के ऊपर ऑपरेशन किया है, वो फाइल जो थी हमारी उसी लोकल फोल्डर के अंदर थी जिसके अंदर हमारी बेसिक डॉट पाई फाइल थी। अब अगर इन केस अगर ये हमारी फाइल जो फ्रेंड डॉट टीएक्सटी फाइल है, अगर इसकी लोकेशन किसी और फोल्डर में हो या किसी और डायरेक्टरी में हो, तो उस केस में हम इस फाइल इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या कैसे लिखेंगे। से जैसे अभी हम देखते हैं तो ये हमारी पाइथन डायरेक्टरी है और पाइथन डायरेक्टरी के अंदर ही हमारी फाइल है फ्रेंड डॉट टीएक्सटी। तो मैं क्या करता हूँ, पाइथन डायरेक्टरी के अंदर ये एक इमेजेस डायरेक्टरी है और मैं अपनी फाइल को यहाँ से मूव करता हूँ इसको इमेजेस में। मूव कर दिया यहाँ पे इसको, और अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरी फाइल जो थी, फाइल जो है वो मूव कर गई है और यहाँ पे नहीं है। अब ये फाइल जो है वो इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर चली गई है। अब इस फाइल को अगर मैं फिर से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका पाथ जो है फाइल का चेंज हो गया, पर मैं प्रोग्राम में यहाँ पे फाइल का पाथ वही रखा है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करता हूँ तो आपको मैसेज आ जाता है, एरर मैसेज आया यहाँ पे, फाइल नॉट फाउंड एरर। और ये बात सही भी है क्योंकि अब फाइल जो है वो उस लोकेशन में नहीं है जहाँ पे वो पहले थी, उसका फाइल का पाथ जो है वो चेंज हो गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी उसका फाइल का पाथ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए सिंपल क्या लिखता हूँ, उस फोल्डर का नाम लिखूँगा जहाँ पे मेरी फाइल है, जैसे कि इमेजेस, और यहाँ पे स्लैश लगाना है मुझे। मैंने फाइल का उस फोल्डर का नाम लिखा, स्लैश लगाया, और उसके बाद फाइल का नाम लिखा, और उसके बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें वो आउटपुट मिल गया।